अपने बीच में एक मेहमान शायर बैठे हुए हैं, कवि हैं, प्रेम बरेलवी जिनका नाम है, बरेली की धरती से आते हैं। मैं चाहता हूं कि इनको ये एहसास लेकर के आज ये बनारस और चंदौली की धरती से जाएं कि मेहमानों का स्वागत चंदौली वाले किस तरह से करते हैं। एक बार प्रेम बरेलवी जी के लिए आपकी तालियां आ जाए। प्रेम बरेलवी साहब माइक पर। अध्यक्ष जी अनुमति है। माँ सरस्वती को प्रणाम, बबली के लोगों को प्रणाम। मैं अपने चंद शेरों से आगाज करता हूँ, समाप्त फरमाएं कि पेट भरने को मिला जब कुछ नहीं, पेट भरने को मिला जब कुछ नहीं, भूखने आते चबाली दोस्तों। वाह, फिलॉसफी है इसमें, आप सब समझते होंगे। पेट भरने को मिला जब कुछ नहीं, भूख ने आते चवाली दोस्तों। अब देखें एक मतलब, एक शेर देखें कि अता हो कर काम कुछ वादे न यूं बेकार हमें दे। हाँ, कर काम कुछ वादे न यूं बेकार हमें दे, बस की नहीं है यार तो सरकार हमें दे। क्या बात है भाई, वाह। कर काम कुछ वादे न यूं बेकार हमें दे, बस की नहीं है यार तो सरकार हमें दे। ऐ ना खुदा तू देख सोच ले ये नाव ना डूबे। हाँ, ऐ ना खुदा तू सोच ले ये नाव ना डूबे, जो पार ना लगवा सके पतवार हमें दे। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, हमें दे। शुक्रिया। एक गजल के चंदर साहब समाप्त फरमाएं साहब कि झूठे लोगों से टकराना मुश्किल है। हाँ, झूठे लोगों से टकराना मुश्किल है, अब तो सच को सच कह पाना मुश्किल है। अच्छा है, अच्छा है। झूठे लोगों से टकराना मुश्किल है, अब तो सच कह पाना, सच को सच कह पाना मुश्किल है। और पहुंच गए हम यूं तो मंगल तक, लेकिन पहुंच गए हम यूं तो मंगल तक, लेकिन मंगल पर घर बार बसाना मुश्किल है। मंगल पर घर बार बसाना मुश्किल है। तेज हवा मुझसे कहती है क्या है तू, तेज हवा मुझसे कहती है क्या है तू, मुझसे पर्वत का टकराना मुश्किल है। और ये शेर आप सबकी समातों के हवाले के, अब अपनी मर्जी के मालिक हैं बच्चे, अब अपनी मर्जी के मालिक हैं बच्चे, अब तो बच्चों को समझाना मुश्किल है। क्या बात, तो बच्चों को समझाना मुश्किल है। और शेर देख लें साहब के, सबको खुश करना है टेढ़ी खीर बड़ी, सबको खुश करना है टेढ़ी खीर बड़ी, सबके दिल में घर कर पाना मुश्किल है, सबके दिल में घर कर पाना मुश्किल है। और शेर देखें साहब के, सबको सबके दिल में घर कर पाना मुश्किल है, पैसा हो तो प्रेम मिलेगी इज्जत भी, पैसा हो तो प्रेम मिलेगी इज्जत भी, अच्छाई से चीज़ ये पाना मुश्किल है, अच्छाई से चीज़ ये पाना मुश्किल है। एक आध दो चार शेर और देख लें, फिर मैं मुक्तकों की तरफ आऊँगा कि कब किसी की मेहरबानी चाहिए। आज अधिकार की बात है और इशारों में बात है, आप समझें। जो 5 किलो अनाज और ये वो हमें लोगों को बेकार नहीं करना चाहिए, कब किसी की मेहरबानी चाहिए, पर हमें भी सांस आनी चाहिए। और ज़ात मज़हब रंग बोली जो भी हो, ज़ात मज़हब रंग बोली जो भी हो, जो भी हो, दिल मगर हिंदुस्तानी चाहिए। वाह 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 वाह, दिल मगर, वाह 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 वाह, दिल मगर हिंदुस्तानी चाहिए। शेर देखे साहब कि कृष्ण रोए जो सुदामा के लिए, कृष्ण रोए जो सुदामा के लिए, दोस्ती ऐसे निभानी चाहिए। क्या बात, दोस्ती ऐसे निभानी चाहिए। और जान तो मत लो किसी की भाइयों, जान तो मत लो किसी की भाइयों, हर किसी को जिंदगानी चाहिए। है, 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 है। और शेर देखे साहब कि आसमां छूना कोई मुश्किल नहीं, आसमां छूना कोई मुश्किल नहीं, सोच लेकिन आसमानी चाहिए। क्या बात है, सोच लेकिन आसमानी चाहिए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अशआर और देख ले साहब कि जिंदगी से ही
आजकल जिसको ज़रूरत नहीं है वो छीन रहा है लोगों से, लोगों के पास अथाह धन है, अथाह सुविधाएं हैं, लेकिन छीने जा रहे हैं अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, और कोई अर्थ नहीं है उसका। उनको उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी उन पे हैं, तो जिनके पास नहीं है उनसे छीन रहे हैं। ये बड़ा दुख होता है मुझे, और ये मुल्क में ऐसी स्थिति चल चुकी पड़ी है, ऐसी विडम्बना है कि जो पूंजीपति हैं वो छीने जा रहे हैं। तो गज़ल यहाँ से शुरू होती है साहब, के देखें कि जिंदगी से ही उजाला ले गया, जिंदगी से ही उजाला ले गया, आँख मेरी आँख वाला ले गया, वाह वाह वाह, आँख मेरी आँख वाला ले गया, और हम उसे बस चाहते ही रह गए, और उसने दिल निकाला ले गया। है, 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 है। हम उसे बस चाहते ही रह गए और उसने दिल निकाला ले गया, और वो जिसे हमने मसीहा कर दिया छीन कर मुंह से निवाला ले गया। क्या बात है, वो जिसे हमने मसीहा कर दिया छीन कर मुंह से निवाला ले गया, और लूट कर हिंदोस्ता को दोस्तों पहले गोरा आपके काला ले गया। क्या बात, पहले गोरा आपके काला ले गया। मैं छंद की तरफ लौटूंगा थोड़ा सा, अब तो एक आध दोहा आपको दे दूं, क्योंकि आजकल जो है बच्चे हैं ना, वो थोड़ा मन तोड़ते हैं, उनका करियर नहीं बनता या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने एक दोहा बहुत पहले कहा था कि मेहनत हो विश्वास हो कर्मों से हो प्रीत, मेहनत हो विश्वास हो कर्मों से हो प्रीत, लक्ष्य कठिन हो या सरल निश्चित होगी जीत, लक्ष्य कठिन हो या सरल निश्चित होगी जीत। और एक दोहा और देखें, अकड़ भला किस बात की इतनी सी है जान, अकड़ भला किस बात की इतनी सी है जान, हम सब हैं संसार में दो दिन के मेहमान। वाह, शुक्रिया। कुछ पुरानी गजलें मेरे पास हिंदी की पड़ी थी, इन्होंने बताया कि गांव गिराव की जो वो है महफिल, वो हिंदी के देहात के क्षेत्र में सस्ती है। मैं किसानों पे कुछ कहना चाहता हूँ, और मुझे लगता है सभी उस पृष्ठभूमि से, और सभी वो दर्द समझेंगे और उसको महसूस करेंगे। हाँ, जरूरी है कि खेत में दिन रात खपता, खेत में दिन रात खपता, खेत हो जाता किसान। वाह, खेत में दिन रात खपता, खेत हो जाता किसान, तब कहीं दो चार दाने अन्न के पाता किसान। खेत में दिन रात खपता, खेत हो जाता किसान। दोस्तों मेरा गला नहीं है, मैं बस थोड़े तरन्नुम की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये गज़ल वैसे आपको उतनी, खेत में दिन रात खपता, खेत हो जाता किसान, तब कहीं दो चार दाने अन्न के पाता किसान। सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो या के फिर बरसात हो, सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो या के फिर बरसात हो, पेट की खातिर हमारे चैन कब पाता किसान। वाह 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 वाह, पेट की खातिर हमारे चैन कब पाता किसान। और दर्द देखें साहब, कि बीज महंगे खाद महंगी तेल महंगा हो गया है, बीज महंगे खाद महंगी तेल महंगा हो गया है, दाम अपनी फसल के अच्छे कहाँ पाता किसान। ये सबका दर्द है, एमएसपी तक नहीं मिलती उनको, दाम अपनी फसल के अच्छे कहाँ पाता किसान, बीच में फिर कीटनाशक और मजदूरी तमाम, बीच में फिर कीटनाशक और मजदूरी तमाम, जैसे खर्चों की वजह से हाय पिस जाता किसान। और क्या बात है, क्या बच गया मौसम आवारा जानवर की मार से तो, बच गया मौसम आवारा जानवर की मार से तो, सूदखोरों और दलालों से न बच पाता किसान। सूदखोरों और दलालों से न बच पाता किसान, यही तो बाद उसके पेट पशुओं का भराए रात दिन ही, बाद उसके पेट पशुओं का भराए रात दिन ही, तब कहीं परिवार अपना पालता दाता किसान, तब कहीं परिवार अपना पालता दाता किसान, खेत में दिन रात खपता, खेत हो जाता किसान, क्या बात? फिर जरूरत और बच्चों की पढ़ाई मार देती, हाँ।
फिर ज़रूरत और बच्चों की पढ़ाई मार देती, कुछ भी हो माँ बाप को फिर भी न ठुकराता। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, ये जो तरक्की कर चुके हैं, वो अपने माँ बाप को ही ठुकरा देते हैं, लेकिन किसानों में ये चीज़ नहीं देखी जाती कभी। कुछ भी हो माँ बाप को फिर भी न ठुकराता किसान। अब देखें, एक दृश्य है जो आज लुप्त होता जा रहा है भारत से, और ये हमारे देहात में अभी भी है कि घर में आ जाए कोई भी, घर में आ जाए कोई भी, अपना हो या गैर हो, घर में आ जाए कोई भी, अपना हो या गैर हो, खाना पानी पूछता है प्यार जतलाता किसान। बात है, खाना पानी पूछता है प्यार जतलाता किसान, इतनी कुर्बानी तपस्या करके भी खामोश है ये। हाँ। इतना सब्र किसी में नहीं है जो किसानों में है। इतनी कुर्बानी तपस्या करके भी खामोश है ये, अन्नदाता यूं नहीं है दोस्त कहलाता किसान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा प्रेम जी भाई साहब, बहुत अच्छा। सर एक शेर और पढ़िए, स्वागत है। मूर्ख है जो मूर्ख, मूर्ख है जो मूर्ख समझे हैं किसानों को जनाब। वाह, मूर्ख है जो मूर्ख समझे हैं किसानों को जनाब, पेट भर कर भी वतन का कब है इतराता। वाह 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 वाह। और अंतिम शेर इसका देखें कि उम्र भर घाटा ही घाटा झेल कर जीता है प्रेम, उम्र भर घाटा ही घाटा झेल कर जीता है प्रेम, जाने इतना सब्र कैसे तुझ में है आता। क्या बात है, वाह। जाने इतना सब्र कैसे तुझ में है आता किसान।